मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। सर्वेप्येते यज्ञवदो यज्ञ क्षिपति कलमश यज्ञ शिष्टा मृत्युभुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। ये कभी नहीं कहें आप गलत हैं, यह कभी नहीं कहें आप गलत हैं, यह कभी नहीं कहें आप गलत हैं। ईसा मसीह के पैदा होने के 2200 साल पहले मिस्र के सम्राट अक्तोई ने अपने पुत्र को यह समझदारीपूर्ण सिखा दी, कूटनीतिज्ञ बनो, कूटनीतिज्ञ बनो, जिससे लोग तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हें बहुत फायदा होगा। दूसरे शब्दों में, अपने ग्राहक, अपनी पत्नी, अपने विरोधियों से बहस न करें। उन्हें यह ना बताएं कि वे गलत हैं, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें, थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज आर उत्तराखंड में अग्रिम चौकियों पर बड़ी जवानों की तैनाती। लद्दाख में सीमा पर फायरिंग के बाद उत्तराखंड में जुड़ी चीन सीमा पर सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। अग्रिम चौकियों पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। नेपाल से चीन के लिए होने वाली जासूसी की आशंका के मद्देनजर सशस्त्र सीमा बल को भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं उत्तरकाशी के नीलांग घाटी में वायुसेना के 2 विमानों ने सीमा का जायजा लिया। उत्तराखंड की 345 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से सटी है। 345 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से सटी है। पिथौरागढ़ जिले से लगी सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 3 अतिरिक्त बटालियन तैनात कर दी गई हैं। सभी बॉर्डर आउट पोस्ट पर भी जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। पिथौरागढ़ के लिपुलेक से लिपिया धुरा तक सेना तथा आईटीबी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिले में 3 दिनों से सैन्य वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि पोर्टर के तौर पर कुछ स्थानीय युवा भी सेना के साथ हैं। सोमवार को वायुसेना के 2 विमानों ने सीमा का जायजा लिया। The next important news is, बहुत फायदेमंद है शिमला मिर्च। स्वास्थ्य से रिलेटेड है लेकिन बहुत काम का है। सोर्स ऑफ न्यूज इज दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। शिमला मिर्च खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहती है, साथ ही कई बीमारियों में फायदेमंद है शिमला मिर्च। हमारे किचन में ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। उनमें से एक है शिमला मिर्च। अगर इस्तेमाल हम अक्सर करें तो कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाती है। शिमला मिर्च आसानी से मिलने वाली सब्जी, यह हरा, लाल और पीले रंग की होती है। इसका प्रयोग आमतौर पर खाने के आकर्षक बनाने में किया जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, फ्लेवोनाइडस है, अल्कलाइड्स है और टैनिस जैसे लाभकारी तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनर्जेस्टिक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व भी मौजूद हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके मौजूद विटामिन सी हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करती है। हमारे दिमाग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके सेवन से स्ट्रेस भी कम होता है दोस्तों, स्ट्रेस भी कम होता है। मोटापा कंट्रोल करती है। मोटापे से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए शिमला मिर्च खाने से काफ़ी लाभकारी होता है। दरअसल शिमला मिर्च में काफ़ी मात्रा में कैलोरी होती है। इसके सेवन से शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। इससे मोटापा तो कम होता ही है, साथ इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। शिमला मिर्च में फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है जो कि हृदय के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। यह तत्व दिल के रोगों को हमसे दूर रखता है। इसके अलावा इसके सेवन से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर तरीके से होती है। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो डेली शिमला मिर्च खाइए, हजारों बीमारियों से दूर रहिए। नया अंडा दिलो दिमाग को रखेगा दुरुस्त, कमाई भी डबल। पंजाब की गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी ने स्पेशल पोल्ट्री फूड विकसित कर डिजाइन किया खास अंडा। भारतीय विज्ञानों ने ऐसा स्पेशल पोल्ट्री फूड डिजाइन किया जिससे तैयार अंडा सेहत के लिए तो लाभकारी होगा, ये पोल्ट्री फार्म भी दोगुनी कमाई होगी। इसमें सामान्य अंडों के मुकाबले हानिकारक सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है, जबकि लाभकारी ओमेगा 3 फैटी एसिड पर्याप्त मात्रा में दिल, दिमाग और त्वचा के लिए फायदेमंद। यह अंडा मोटापे से दूर रखेगा। गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी
गढ़वासु लुधियाना का दावा है कि उत्तर भारत में यह अपनी तरह का पहला सफलतम प्रयोग है जिससे वैज्ञानिकों ने अंजाम दिया है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि कम सैचुरेटेड फैट वाला यह अंडा तैयार कर उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद होता है, इसकी प्रचुरता से युक्त अंडे को सामान्य से के मुकाबले दोगुनी कीमत पर बेचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी के पशु आहार विभाग डॉक्टर APS सेठी ने दैनिक जागरण को इस बात को बताया है। चारधाम राजमार्ग में सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र को मंगलवार को दिए गए आदेश के तहत अब चारधाम राजमार्ग में 2 लेन वाली सड़क को चौड़ाई 5.5 मीटर ही रहेगी। जस्टिस फली नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उत्तराखंड स्थित 4 पवित्र शहरों को सभी मौसम में नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली परियोजना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2018 के सर्कुलर का पालन करने के लिए कहा गया है। सर्कुलर के मुताबिक ऊंचे पहाड़ियों इलाकों में सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रहेगी। केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट के इस चौड़ाई की 7 मीटर करने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। हालांकि केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत आने वाले राजमार्ग के कई हिस्से भारत चीन सीमा से लगे हुए हैं। यहां पर सेना के वाहनों को आवाजाही होती रहती है, इसीलिए मार्ग की चौड़ाई 5.5 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर करने की आवश्यकता है। खंडपीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 2018 के अपने दिशा निर्देश का ही पालन करें, आप अपने ही दिशा निर्देश का पालन क्यों नहीं करते हैं। देश की आवाज को बहुत ध्यान से सुन रही दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोकल उत्पाद के साथ ही देश की आवाज भी ग्लोबल हो रही है। दुनिया देश को अब और ज़्यादा ध्यान से सुन रही है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज लगभग प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की मजबूत स्थिति है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की ज़रूरत है। साथ ही आगाह किया कि टेक्स्ट और ट्वीट के दौर में ज़्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर नहीं हो जाए, इसका हम सभी को खास ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि आज जब हम आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं तो हमारे मीडिया इस संकल्प को बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। हमें अपने विजन को और व्यापक करने की ज़रूरत है। सकारात्मकता देने की सोच सिर्फ पत्रकारिता के लिए नहीं बल्कि व्यक्तित्व के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग लेखक या साहित्यकार पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं, वे समाज के शिक्षक होते हैं। स्कूली शिक्षा को खत्म हो जाती है लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है। कहा कि विश्व जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उसकी चर्चा हमारे यहाँ हजारों साल पहले हुई है। नेक्स्ट न्यूज इज दुनिया का सोलर बैंक बन रहा भारत। 47 देशों में सौर परियोजनाएं विकसित करने में मदद का किया करार। भारत तेजी से दुनिया का सोलर बैंक बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में अपनी बढ़ती क्षमता के दम पर 47 देशों में सौर परियोजनाएं विकसित करने में मदद करेगा। इनमें विकासशील और पिछड़े देश शामिल हैं। वे सभी देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य। मंगलवार के को ISI द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट में ISSM भारत के नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय की ओर संबंध में समझौते किए गए। इसके तहत पिछड़े देशों में सौर परियोजनाओं के विकास में भारत मदद विभिन्न देशों में सौर परियोजनाओं विकसित करने में बिजली उत्पादन के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी NTPC मुख्य भूमिका निभाएगी। भारत पिछले 2 साल से 15 देशों में 27 सौर परियोजनाओं के विकास के पहले से ही मदद कर रहा है। भारत एक्जिम बैंक के माध्यम से इन देशों की $1.4 अरब की सहायता भी दे रहा है। भारत तेजी से सौर उपकरणों का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भारत के समक्ष 10,000 मेगावाट क्षमता के सौर उपकरण निर्माण का प्रस्ताव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब सौर परियोजनाओं की लागत को कम करने और उससे जुड़ी आधुनिक तकनीक को विकसित करने का काम किया जा रहा है। प्रधान ने यह भी कहा, सरकार की हरित ऊर्जा पहले के तहत 5 साल में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा संचालित 50% पेट्रोल पंपों को सौर ऊर्जा संचालित करने का लक्ष्य है। बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि भारत के कुछ बिजली उत्पादन क्षमता में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 35% है।
भारत ने 2022 तक 2.2 लाख मेगावाट नवीन व नवीकरणीय बिजली उत्पादन का हासिल करने का लक्ष्य रखा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं के कारण वह इसमें हिस्सा नहीं ले सके। बिजली मंत्री आर के सिंह ने सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा। प्रसन्नता का स्रोत। भौतिकवादी प्रगति ने मानव को सुविधा संपन्न बना दिया। आज इंसान जीवन में अधिक से अधिक धन पाने की तृष्णा में दिन रात उसके संग्रहण में व्यर्थ भाग रहा है। पैसों की चकाचौंध और लालच ने इंसान को अंधा कर दिया है। न तन का ख्याल न ही आत्मा को सुकून, केवल भाग 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 जारी है। वह इस बात से अनभिज्ञ है कि जो कर रहा है उसे सुविधाएं जरूर बढ़ेंगी, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं होगी। आज सब कुछ मानव के बस में होने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी की झलक नहीं दिखाई दे रही। दरअसल खुशी का संबंध मन में आत्मसंतुष्टि के वास से। खुशी का धन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, अतः खुशी धन से खरीदी नहीं जा सकती, न ही बेतहाशा संसाधनों की खपत करके खुशी को हासिल किया जा सकता है। खुशी के लिए पहली अनिवार्य शर्त है मन की संतुष्टि। जब मन में संतोष का मकान बनने लगेगा तो खुशी अनायास ही उसमें रहने जाएगी। मन की संतुष्टि के लिए लोभ की वृत्ति पर पाबंदी लगानी होती है। भगवद गीता के अनुसार किसी को भाग्य से अधिक और न ही भाग्य से कम प्राप्त होता है। हमें अपने पुरुषार्थ और कर्म पर विश्वास होना चाहिए। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी अटूट आस्था कर्म और में अनवरत जारी रखते हैं। खुशी कठिनाइयों और दुखों के बीच पीछे ही सुप्त है, इसलिए कठिनाइयों से मुकाबला करना मानव का धर्म होना चाहिए। जीवन लीला को इस कारण खत्म करना ही दुख सीमा पर करना है, बल्कि बिल्कुल उचित नहीं है। आज खुशी के लिए हमें कोई भी बड़ी कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी खुशियाँ तलाशने की आदत डालने की जरूरत है। कमज़ोर बुनियाद वाला मूल ढांचा। हाल में केरल के संत केशवानंद भारती के निधन के बाद संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा एक बार फिर चर्चा में आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संत केशवानंद भारती की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट को 13 सदस्यीय पीठ ने 1973 में फैसला दिया था कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। चूंकि इसके पहले इतनी बड़ी पीठ नहीं बनी और न ही किसी अदालत फैसले में कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे को बदलने की शक्ति संसद के पास नहीं है, इसलिए इस फैसले को ऐतिहासिक कहा गया। पहले भी इस फैसले की चर्चा समय समय पर होती रही है, लेकिन यह अब भी स्पष्ट नहीं है कि आखिर यह मूल ढांचा है क्या। सुप्रीम कोर्ट के 1973 के फैसले को भले ही ऐतिहासिक कहा गया हो, लेकिन सच यह है कि इंदिरा गांधी के 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान में मनमाने को संशोधन कर डाले। उनकी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना तक में परिवर्तन कर दिया। उसमें समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द तभी जुड़े। क्या इन शब्दों को जोड़े जाने से संविधान के मूल ढांचे में कोई फर्क नहीं पड़ा? इसका जवाब जो भी हो, यह स्पष्ट है कि 1973 का कथित ऐतिहासिक फैसला इंदिरा गांधी को संविधान से छेड़छाड़ करने से रोक नहीं सका। इससे भी खराब बात यह हुई कि जिन सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, उसी ने आपातकाल के समय 1976 में जबलपुर उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार वाले अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। चीन की सनक का इलाज। बीती 29 और 30 अगस्त को रात को भारतीय और चीनी सेना यानी पीएलए में एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। इस बार जंग का अखाड़ा बना पैगोंग झील का दक्षिणी किनारा। यह वह इलाका है जो अभी तक मौजूदा टकराव से अछूता रहा। इससे पता चलता है कि आखिर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हालात कितने तल्ख हो गए हैं। भारतीय सेना पीएलए के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए उन ऊंची पहाड़ियों पर काबिज हो गई है जहां से उसे बढ़त मिल सके। नई दिल्ली ने बीजिंग के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि LAC पर चीन द्वारा भारी संख्या में सैन्य अमला जुटाने के बावजूद भारत अपने रणनीतिक लाभ की स्थिति को नहीं छोड़ने वाला। वहीं मास्को में चीनी रक्षा मंत्री मनुहार के बाद उनसे मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी चीनी समक्ष को दो टूक लहजे में कह दिया कि भले ही भारत की प्राथमिकता वार्ता के जरिए मसलों को सुलझाने की है, लेकिन नई दिल्ली राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दिल्ली की जैविक खाद से बढ़ेगी चाय की खुशबू। कोरोना संकट के दौरान रेलवे आमदनी बढ़ाने के नए विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में माल ढुलाई पर ज्यादा केंद्रित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर व्यापारियों को रेलमार्ग से माल ढुलाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके परिणाम भी देखने को मिले। इसी कड़ी में दिल्ली से पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के लिए जैविक खाद भेजी जा रही है।
दिल्ली के आदर्श नगर के जैविक खाद का लदान शुरू हो गया है। दो लघु मालगाड़ी के जरिए 2,667 टन खाद पश्चिम बंगाल भेजी गई। इसका उपयोग वहां के चाय बागान में किया जाना है। अधिकारियों का कहना है कि उर्वरक खाद की ढुलाई मालगाड़ियों के जरिए पहले से ही हो रही, लेकिन दिल्ली मंडल पहली बार जैविक खाद भी एक दूसरे स्थान पर भेज रहा है। इससे जैविक खाद के कारोबार में तेजी आएगी। जैविक कृषि को बढ़ावा और पर्यावरण स्वस्थ के लिए ऐसे एक मालगाड़ी में 42 डिब्बे होते हैं। छोटे कारोबारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर 21 या इससे भी कम डिब्बों वाली लघु मालगाड़ी चलाई जा रही है। चीनी की ढुलाई भी बढ़ावा मिल रहा है। मुरादाबाद मंडल ने बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली माल गोदामों में चीनी के 5 रैंक नेपाल भेज रही है। शिक्षा नीति पर राज्यों की आशंकाएं दूर करेगा केंद्र। नई शिक्षा नीति को लागू करने में ज़्यादा लचीला रुख अपनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद शिक्षा मंत्रालय अभी सवाल उठाए रहे राज्यों के साथ अलग से चर्चा की तैयारी में जुट गया है। मंत्रालय का मानना है कि नीति पर अमल तभी तेजी से हो पाएगा जब इससे जुड़े सभी विषयों को लेकर आपसी समझ बढ़ेगी, साथ ही नीति के उद्देश्य स्पष्ट होंगे। अब तक जिन राज्यों में असहमति और आशंकाएं सामने आए उनमें से बंगाल, तमिलनाडु और दिल्ली शामिल हैं। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों से की माने तो इन राज्यों के से जल्दी जल्द अलग अलग चर्चा की जाएगी, साथ ही उनकी आशंकाओं को समझा जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम लक्ष्मीकांत एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था से कुछ तथ्य आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे बहुत फायदा। पूर्वोत्तर परिषद, उपरोक्त परिषद क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन, एक इसके सदस्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं। यह एक एकीकृत तथा समन्वित क्षेत्रीय योजना है जिसमें साझे महत्व के विशेष हैं। तो इसमें पूर्वोत्तर परिषद में कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मिलित हैं।